ये बहुत पुराना है बेटा, एक ही पत्थर है। ये तो जंगल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम देखने जा रहे हैं सतयुग के जमाने का बहुत ही चमत्कारी पत्थर, जो आज भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में है। और ये पत्थर 200 क्विंटल का है और ये सिलेंडर के आकार का पत्थर है। सतयुग के जमाने से आज भी घने जंगलों में ये चट्टान रखा हुआ है और ये मेटेलिक साउंड निकलता है इस पत्थर में से। इस पत्थर को ठिनठिनी पत्थर भी कहते हैं, बोलता हुआ पत्थर भी कहा जाता है। तो हम इस पत्थर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये सतयुग के जमाने का है और यहाँ तक जाना आसान नहीं था। बहुत ही घने जंगलों से होके हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो सामने एक जर्जर सा पुल मिला है हमें, तो इस पुल को क्रॉस करके ही हम वहाँ तक जा सकते हैं। और भी कोई रास्ते होंगे वहाँ तक जाने के लिए, पर हमें यही रास्ता पता चला, तो हम इस रास्ते से होते हुए वहाँ तक जाएंगे। तो इस चमत्कारी पत्थर के बारे में हमें वहाँ पर पूरी जानकारी दी एक पंडित जी ने, जो बूढ़े बाबा हमें वहाँ मिले थे। उनने हमें बहुत अच्छे तरीके से इस पत्थर के बारे में पूरी जानकारी दी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उस पत्थर को देखने के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ नई चीज़ सुनते हैं उसे देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों की भी अभी हो रही होगी। तो फाइनली बहुत ज़्यादा जंगल का गोल गोल राउंड लगाने के बाद हम उस डेस्टिनेशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो अब मैं आपको बाबा जी के ही मुंह से सुनाऊंगी उस पत्थर की पूरी हिस्ट्री और आपको दिखाती हूँ वो चमत्कारी पत्थर, जिसे देखने के लिए हम इतने घने जंगलों से होते हुए यहाँ तक आए हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा है ये। ये है वो सामने जो दिख रहा है, वो है ठिनठिनी पत्थर। पत्थर लग दिया उसमें वहीं बजेगा, वहीं पे बजेगा, उसी स्पॉट पे ही बजेगा। ये बहुत पुराना है बेटा, एक ही पत्थर है। ये तो जंगल था, हमारे पूजा बताते थे मैन पाट अंबिकापुर पहाड़ जंगल जंगल का बीच में। तो ये वाला पत्थर बचता है तब से, ये वाला कौन कौन से आवाज में छोटे बड़े सभी बात वहाँ आपको साथ मिलेगा। मजा यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ वो है ऐसा लग रहा है घंटी बज रहा हो। हाँ बजा बजा ये देखिए। तो सामने जो दिख रहा है हल्का सा व्हाइट कलर का, वो है ठिनठिनी पत्थर। उसको बजाने से पत्थर से वो पत्थर आवाज करता है। ये ऐसा बताया है कि ये पत्थर सतयुग से ही रखा हुआ है और इसकी जो आवाज़ है वो कभी बैल की आवाज़ की, कभी मटके की आवाज़ की निकलती है, अलग अलग। इसको ठिनठिनी पत्थर बोलते हैं। तो ये सतयुग के जमाने का चमत्कारी पत्थर आज भी अंबिकापुर के सरगुजा जंगलों में आज भी रखा हुआ है और ये बहुत ही चमत्कारी पत्थर है। इससे बहुत ही तरह तरह के मधुर संगीत और ध्वनियाँ निकलती हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें देख के कि हमारे देश के कोने कोने में आज भी ऐसे बहुत सारे चमत्कारी चीज़ें हैं, अजूबे हैं। तो आप कभी भी यहाँ आएँ तो उसे देखने ज़रूर जाएँ।
बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देख के। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार मुझे देते रहे। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस और ब्लॉग आप देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो